नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्विसेज. पहले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है सर्विस मार्केटिंग मिक्स. ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा 7 P's ऑफ मार्केटिंग. अभी हमने पढ़ना है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्विसेज. कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेशंस इज डिफाइंड एज बिलीविंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन और बिलीविंग दैट समथिंग शुड बी अ सर्टन वे. क्या एक्सपेक्टेशन क्या होती है? हम कुछ चीज़ बिलीव कर लेते हैं कि हमारे लिए ऐसा होगा. ठीक है, कोई बिलीव है कि कुछ ऐसा होने वाला है हमारे लिए. ये क्या है? एक्सपेक्टेशंस. हम क्या कर लेते हैं, किसी चीज़ को अपने दिमाग में ले लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा ऐसा होगा. ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेशन इज अ बिलीफ दैट यू विल बी गेटिंग प्रमोटेड. आपको एक्सपेक्टेशंस होती है कि नेक्स्ट ईयर, अभी आप जॉब कर रहे हो तो आपका नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट मिलेगा आपको. ठीक है, ये हर किसी के मन में एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि अभी आप करंटली जॉब कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर यू विल गेट प्रमोटेड. ठीक है, या एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेशन इज बिलीफ दैट यू शुड बिहेव इन अ प्रॉपर लेडी और जेंटलमैन. कई लोगों को, जैसे आप जाते हो तो सपोज करो आप MBA कर रहे हो, ठीक है, तो उनको बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये MBA का बच्चा है, ये तो पूरा प्रॉपर MBA वाले जो होते हैं वो प्रॉपर ऐसे होते हैं ना, जैसे बींग अ जेंटलमैन हो, बींग अ प्रॉपर गर्ल. ठीक है, तो ऐसे होता है ना, उनका ड्रेसअप करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, उनका कम्युनिकेशन का तरीका बड़ा अच्छा होता है. तो ये क्या होता है, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं. जैसे कोई बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं. उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग या उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, अपने मन में ही उसके लिए एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशंस मतलब बिलीव दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन. उसके बाद है, यू कैन नॉट अचीव सक्सेस इन बिजनेस विदाउट विनिंग ओवर योर टारगेट ऑडियंस, विच इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इज सो इम्पोर्टेंट. कहते हैं अगर आपने बिजनेस करना है तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग. कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर बिजनेस में क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है. जो कंज्यूमर की डिमांड है उसकी एक्सपेक्टेशंस को आपने सेटिस्फाई करना है. क्लियर? तो कहते हैं कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के बिना कोई भी जो बिजनेस है वो रन नहीं हो सकता. कस्टमर एक्सपेक्टेशन रेफर्स टू द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल यू वांट टू अट्रैक्ट टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड ऑफन इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सर्विसेज. कहते हैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस कैसे आप पता लगा सकते हो, आप देखोगे कि कंज्यूमर की नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है. देखो अभी क्या है, सब लोगों को पता है कि मास्क जो है नेसेसरी है, तो वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर की नीड्स और के अकॉर्डिंग क्या करने हैं, ब्रांडेड मास्क की अभी वो बनाने शुरू कर दिए हैं. ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, रिबोक थे ये, सॉरी, जो कपड़े की जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, ठीक है, वो भी अभी क्या करने लगी है, अपने मास्क बनाने लगी है. तो क्या है, उन्होंने समझा, कंज्यूमर की नीड्स को देखा, कंज्यूमर की वॉन्ट्स को देखा, क्या उनकी नीड्स है. ठीक है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, हमारी जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसने उसकी नीड्स को समझा. क्लियर? तो तभी क्या है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो दैट इज कंज्यूमर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. क्लियर? उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, उसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस प्रोडक्ट के लिए, किस प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है. जैसे जिस मैंने आपको पहले भी एग्जांपल देके बताया था कि किसी की स्किन टाइप है, ठीक है, कभी किसी की नॉर्मल है, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, तो वो क्या करेगा, कस्टमर की वो प्रेफरेंस किसको देगा, एज़ पर योर स्किन टाइप. ठीक है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा. क्लियर? तो इसीलिए क्या करती है कंपनीज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती है कंज्यूमर की नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग. क्लियर? उसके बाद है कल्चर और लोकेशन. एक पर्सन का कल्चर क्या है, जैसे कोई पंजाबी है तो उसको पंजाबी खाना अच्छा लगेगा, रेस्टोरेंट उसी स्टाइल के होंगे. ठीक है, अगर कोई बंगाली है, अगर कोई गुजराती है, तो वो क्या करेगा, उसी उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी डिज़ायर्स होंगी, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी नीड्स एंड वॉन्ट होगी. ठीक है, क्यों, ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है. उसके बाद लोकेशन, लोकेलिटी कैसी है, कोई विलेज में रह रहा है या कोई रूरल एरिया में रह रहा है, कोई अर्बन एरिया में रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या होती है,
अफेक्ट होती हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंस विद अदर कंपनीज। एक कंपनी का जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने लैक्मे का प्रोडक्ट खरीदा, उसको वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने उसने कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदा, जैसे पॉन्ड्स का प्रोडक्ट खरीदा, वो उसको अच्छा लगा, ठीक है, मतलब उसको सूट कर गया। तो क्या है, एक्सपीरियंस विद अदर कंपनीज, कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस करके प्रोडक्ट को यूज़ करके उसको कैसा लगा, उसके अकॉर्डिंग भी उसकी प्रेफरेंसेज जो है वो चेंज होती रहती है, कस्टमर की एक्सपेक्ट चेंज होती रहती है। उसके बाद क्या है, अदर कस्टमर फीडबैक। अदर कस्टमर फीडबैक का क्या होता है कि जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड ने कोई बोला कि नहीं यार ये प्रोडक्ट तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तू भी ये ट्राई करके देख, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप भी उस प्रोडक्ट को ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, अदर कस्टमर फीडबैक, ठीक है। जब आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाते हो, जैसे सपोज आप मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवा रहे हो, तो आप देखते हो ना, रिव्यूज़ चेक करते हो कि कस्टमर के क्या रिव्यूज़ हैं, तभी प्रोडक्ट, अगर उन्होंने रिव्यूज़ दिए होंगे सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, तो आप भी क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो। अगर आपने देखा कि रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, तो आप क्या कर देते हो, उसको निग्लेक्ट कर देते हो। तो दैट इज कस्टमर फीडबैक। उसके बाद क्या है, कस्टमर्स पास्ट ट्रांजेक्शन्स विद यू। कस्टमर्स पास्ट ट्रांजेक्शन्स विद यू का मतलब है कि कस्टमर की पहले कैसी ट्रांजेक्शन है, जैसे किसी कस्टमर ने फ्लिपकार्ट से पहले प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ठीक है, तो अगर उसकी सर्विसेज, जैसे मान लो कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल आया, तो अभी तक वो अपना उन्होंने मेल को चेक नहीं किया, अभी तक वो प्रोडक्ट की डिलीवरी, अभी तक वो प्रोडक्ट को जो उस हमने रिटर्न करना था वो लेने नहीं आए, तो दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर पास्ट ट्रांजेक्शन। वो देखता है कि पिछला एक्सपीरियंस मेरा उस कंपनी के साथ कैसा है, ठीक है, वो चीजें भी देखेगा। हाउ यू कम्युनिकेट, जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो वो आपके साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लियर। उसके बाद है कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ सर्विसेज। कंज्यूमर परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन का होता है कि जैसे सपोज करो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, आपको एक्चुअल में कोई चीज़ और है लेकिन आपको वो ऐसी लग रही है। जैसे सपोज करो मेरे सामने चार स्टिक्स रखी हुई हैं, मुझे वो चार लग रही हैं, लेकिन आपके किसी और बंदा है, कोई और बंदा, उसको वो तीन लग रही है। मतलब नज़रिया, देखने का नज़रिया कैसा है, ठीक है, हर किसी की सोच, हर किसी का नज़रिया अलग अलग है। तो कहते हैं कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब है, हर किसी की परसेप्शन जो है एक पर्टिकुलर सर्विसेज को लेके अलग अलग है। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो आपको वो खाना टेस्टी लगा, लेकिन उसी टाइम पे कोई दूसरा कस्टमर है, उसको वो खाना अच्छा नहीं लगा। तो ये क्या है, परसेप्शन, हर किसी की अलग अलग परसेप्शन है, हर किसी को एक चीज़ को देखने का नज़रिया जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, कस्टमर परसेप्शन ऑफ सर्विसेज। कईयों को, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो अगर आपके साथ वेटर अच्छे से डील किया उसने, तो आपको वो अच्छी लगेंगी, लेकिन मील वाइल कोई दूसरा कस्टमर आ गया वहाँ पे, ठीक है, उसको उसने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। सपोज आप उसके रेगुलर कस्टमर हो, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, लेकिन कोई दूसरा पर्सन है, वो फर्स्ट टाइम आया है, मे बी वो उसको इतने अच्छे से ट्रीट ना करे। तो ये क्या है, कस्टमर परसेप्शन ऑफ सर्विसेज, सर्विस को लेके कस्टमर का क्या नज़रिया होता है, अलग अलग नज़रिया होता है हर किसी का। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कस्टमर परसेप्शन। कस्टमर परसेप्शन प्लेज अ विटल रोल इन कंपनीज अबिलिटी टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर। कहते कस्टमर परसेप्शन जो है वो कंपनी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कैसे हम नए कस्टमर को अट्रैक्ट करें और जो पुराने कस्टमर हैं उसको कैसे रिटेन करके रखें। रिटेन करके मतलब कैसे उसको पकड़ के रखना है, उसको जाने नहीं देना कहीं भी, ठीक है। उसके बाद है द गुड न्यूज़ इज दैट द कंपनी हैव द अबिलिटी टू कंट्रोल मैनी ऑफ द फैक्टर्स दैट बिल्ड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ कंपनी या ब्रांड। कहते ये क्या है, गुड न्यूज़ ये होती है कंपनी के लिए कि उनके पास क्या होता है, हर किसी की परसेप्शन होती है, हर किसी की एक कंपनी की ब्रांड को लेके अलग अलग परसेप्शन होती है, ठीक है। कस्टमर परसेप्शन की डेफिनेशन, द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कस्टमर परसेप्शन इज a marketing concept that encompasses a customer impression, awareness and consciousness about a company and its offering. Customer perception का क्या मतलब होता है, एक customer की
क्या उसका इम्प्रेशन पड़ा है कंपनी के ऊपर, क्या इम्प्रेशन है उसका कंपनी का, उसको कितनी उस कंपनी के बारे में कितनी अवेयरनेस है, ठीक है, वो कितना कॉन्शियस है उसकी ऑफर के रिगार्डिंग। जैसे सपोज करो आपको लैक्मी के प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा आपको उस बारे में जानकारी होगी, ठीक है। जैसे सपोज करो आप रेगुलर कस्टमर हो लैक्मी के, तो आपको क्या है, जब आप कोई भी नई चीज़ आएगी उसके बारे में आप कॉन्शियस हो जाओगे, नहीं यार इसकी नई चीज़ आ रही है ये ट्राई करके देखते हैं, उसका इंप्रेशन अच्छा, आपको उसकी अवेयरनेस है, आप कॉन्शियस हो उसके लिए, दैट इज कस्टमर परसेप्शन। क्लियर। उसके बाद है व्हाई इज कस्टमर परसेप्शन इम्पोर्टेंट, कस्टमर की परसेप्शन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है। इन टूडेज डिजिटल एज वर्चुअली एवरीथिंग इन गूगल सर्च अवे, दिस मेक्स योर गुड्स एंड सर्विसेज ईजियर टू फाइंड, बट द ट्रेड ऑफ इज दैट योर कॉम्पिटिशन इज ईजियर टू फाइंड एज वेल एज, दैट मीन्स इट इज ईजियर फॉर अनहैप्पी और अनसेटिस्फाइंग कस्टमर्स टू लीव। कहती आजकल डिजिटल का ज़माना है, आप कभी भी नेट पे सर्च कर दोगे आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कहती ये कंपटीशन का ज़माना है, तो इसलिए कस्टमर परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप आज आप लैक्मे के प्रोडक्ट को छोड़ के कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई कर लोगे, ठीक है, पॉन्ड्स का प्रोडक्ट लेना शुरू कर दोगे कोई भी, ठीक है, तो कहते कस्टमर परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन है मार्केट में, बहुत कॉम्पिटिशन है, ठीक है, आपको बेटर से बेटर प्रोडक्ट मिल सकता है। उसके बाद क्या है, कस्टमर वांट्स गुड क्वालिटी, कहते कस्टमर को क्या है, अच्छी क्वालिटी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा पैसा पे कर रहा है किसी चीज़ को लेने के लिए, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदेगा। तो कस्टमर को क्या है, अच्छी क्वालिटी चाहिए, जितना पैसा वो पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मांग रहा है। आप लैक्मी के प्रोडक्ट लेते हो, कितने महंगे हैं, सनस्क्रीन अगर आप लेने जाओगे तो 250 का सनस्क्रीन है इसका, ठीक है, तो क्या कर रहे हो, जितने पैसे आप पे कर रहे हो दैट इज कॉल्ड परचेज पार, जितने पैसे आप पे कर रहे हो उतनी ही वैल्यू की आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलनी चाहिए। आप ये ना हो कि मुझे इतने पैसे पे करके भी आप सेटिस्फाई नहीं हो उस प्रोडक्ट से, तो क्या फायदा। दैट इज कॉल्ड कि कंज्यूमर को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जितने पैसे वो खर्च रहा है उसके अकॉर्डिंगली। इट इज़ जस्ट नॉट इनफ एनी मोर टू हैव अ ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर वॉन्ट टू फील गुड अबाउट अ ब्रांड एंड कंपनी, दे वॉन्ट टू डू बिजनेस विद सिविक माइंडेड कॉरपोरेशन विद पॉजिटिव वर्ल्ड व्यू। कहते उसको ब्रांड से मतलब नहीं होता, समटाइम क्या होता है कि ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि मुझे ये ब्रांडेड ही चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी चाहे ना हो। कहते ब्रांड कॉन्शियस होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है, कस्टमर उसकी क्वालिटी से इन्फ्लुएंस होता है रैदर देन कि उसकी ब्रांड से। क्लियर। समझ में आ रहा है ना साशिता। उसके बाद है व्हाट इन्फ्लुएंसेस कस्टमर परसेप्शन, क्या क्या परसेप्शन को एडवर्टीजिंग, जैसे एडवर्टीजिंग करते हो तो ये भी कस्टमर की परसेप्शन चेंज कर देती है, ठीक है, जब आप नई नई एडवर्टीजमेंट देखते रहते हो उसमें टीवी में, जब आप नई नई एडवर्टीजमेंट देखते हो तो आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है ना। जैसे सपोज करो फेयर एंड लवली की एड है, हम सोचते हैं कि नहीं यार फेयर एंड लवली तो बहुत बकवास है, हमने नहीं लेनी, या कोई भी कॉस्मेटिक ले लो, या कोई भी कपड़े की ले लो, या कोई भी उसकी ले लो एग्जाम्पल, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो हम सोचते हैं नहीं यार ये वाला फिल्टर जो है ये हमने बड़ा बकवास है, ये नहीं हमने लेना, एलजी का नहीं लेना, कैंट का सबसे अच्छा आता है फिल्टर, ठीक है, हमारी मतलब एक परसेप्शन बन जाती है कि जो टीवी में बार बार रिपीटेड एड्स देखते हैं ना, तो फिर वो परसेप्शन बन जाती है नहीं यार हमने वही चीज़ लेनी है। तो क्या है, एडवर्टीजिंग से भी कस्टमर की परसेप्शन जो है वो चेंज होती रहती है। क्लियर। उसके बाद है इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर क्या होता है, जैसे आप सोशल मीडिया पे बार बार चीज़ें देखते रहते हो, इन्फ्लुएंसर जैसे आपको लोग बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जैसे आपने मेल खोली वहाँ पर ही आपकी एडवर्टीजमेंट आ गई, नहीं यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो क्या है इन्फ्लुएंस करने वाले आपको बहुत है, आपकी जिस फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया कि तुझे ये ट्राई करना चाहिए तो आप उसको करके देखोगे, तो ये क्या है इन्फ्लुएंसर्स, जो कस्टमर की परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी बेस है। उसके बाद है पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट वेट इज इन टू कस्टमर परसेप्शन, इफ़ समवन हैज़ एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज रिस्पॉन्सिव एंड यूजफुल ऑफ ए कस्टमर
पता क्या होता है पर्सनल एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, आपने खुद ट्राई करके देखा उसको, ठीक है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को खुद ट्राई करके देखा है तो आपको लगेगा नहीं यार बड़ा अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपकी परसेप्शन जो है उस पर, उसका नज़रिया जो है कस्टमर का नज़रिया उस प्रोडक्ट के प्रति चेंज हो जाएगा, उसको भी वो अच्छी लगेगी, ठीक है। उस नेक्स्ट है हाउ कैन यू वर्क टू क्रिएट और मेंटेन ए पॉजिटिव कस्टमर परसेप्शन। आप कस्टमर के दिमाग में कैसे पॉजिटिव परसेप्शन बनाओगे, पॉजिटिव नज़रिया बनाओगे, कैसे आप कस्टमर के लिए एक अच्छा माइंड सेट कर दोगे उसका कि वो प्रोडक्ट खरीदे खरीदे कैसे। डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, पहला पॉइंट है फॉल्स प्रोमिसेस नहीं बनाना। कोई भी दुकानदार है उसको झूठा वादा नहीं करना चाहिए। अगर क्वालिटी लो क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट है तो उसको बोलना चाहिए कि मैम ये लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप बेटर क्वालिटी लेना चाहोगे तो आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऑब्वियस बात है, तो कहते हैं कि जो सेलर है उसको फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए। उसके बाद क्या है लिसन, आपको अच्छे से उसकी बात सुननी चाहिए। फिर क्या है कम्युनिकेट, आपको बात करनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। फिर क्या है यूज योर सोशल चैनल इफेक्टिवली, आपको क्या करना चाहिए नेट से सर्च करके देखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है। नेवर गेट कंप्लेसमेंट, कंप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि आप बार बार उसको कंप्लेंट ना करो किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, रेदर देन कि आप क्या करो उसको अच्छे से चेक करके प्रोडक्ट लो, ठीक है। तो ये क्या है, आप क्या कर सकते हो कस्टमर के दिमाग में पॉजिटिव परसेप्शन कैसे लेके आ सकते हो, क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हमने किया है कस्टमर परसेप्शन और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्विसेज, क्लियर।